मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादाजी चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही बुरी अचकन उड़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चित, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ो, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा, पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक पाकिजगी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा, राजा मराठा, प्रजा गुजराती, शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा, मदरसा हुसानिया, सिंहबाई, माता रोड, गेडी गेट, तालाब के किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, गुजरात के मशहूर आर के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पाजामा। मौलवी अकबर, धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद, केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर, अब स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमा खान बैंड मास्टर, बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, 2 साल की नज़दीकी। तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे, 6 हिले और बहाने हुए, एक डब्बोई का अत्तर व्यापारी बना, दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अब्बा कब्बा पहन मस्जिद का मेंबर बना, एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डब्बोई के अत्तार, छोटा का ठहरी हुई नजरे अंबर और मुस्क के अत्तर में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म, हामिद कंबर, हुसैन शौक, कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने वाला उस्ताद, चौथा दोस्त अब्बास सजी अहमद, गट्ठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलखस। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपोड पर रखे कैमरे का काला कपड़ा ढके जैसे उनके अंदर घुसे जा रहे हो, सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटो खींचा जा रहा है, दूर लड़के की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाज़त उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहब्बत अहतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी, 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर, स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बासी तैयब जी,
देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इलम पर 10 मिनट का भाषण याद कराया बाकायदा अभिनय के साथ। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वो कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम ये कस्बे का कलाम हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा।